भोपाल में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बहनों ने विशाल राखी भेंट कर उनका अभिनंदन किया। साथ ही सभी बहनों ने मुख्यमंत्री के कलाई पर रक्षा सूत्र भी बांधा। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित रवींद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक द्वारा सैनिटेशन एंड हाइजीन योजना अंतर्गत शासकीय शालाओं की कक्षा 7 से 12वीं तक की 19 लाख से अधिक छात्राओं को 57 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। गणित समूह में आपने 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तालियों के साथ आपका भी स्वागत अभिनंदन। कुमारी मुस्कान दांगी, वाणिज्य समूह में राज्य स्तर पर वाणिज्य समूह में कक्षा 12वीं में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी प्रतीक्षा अहिरवार को आमंत्रित करेंगे। आपने कृषि समूह में राज्य स्तर पर कृषि समूह में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नंदिनी मलगम को मंच पर आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व कुमारी प्रतीक्षा अहिरवार कृषि समूह से, कुमारी नंदिनी मलगम ललित कला समूह से आपने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी सना अंजुम खान जीव विज्ञान समूह से, राज्य स्तर पर जीव विज्ञान समूह में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी रिया शर्मा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व हमारे साथ कुमारी सना अंजुम, जो कि जीव विज्ञान समूह में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ सभी छात्राओं का हम स्वागत करें, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से सम्मान प्राप्त कर रही हैं। और विश्वविद्यालय में प्रदेश भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली स्नातक की छात्राओं को आमंत्रित करते हैं। कुमारी रिया शर्मा, जिन्होंने कला संकाय में 87% प्राप्त किए हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं आप, तालियों के साथ स्वागत करेंगे कुमारी रिया शर्मा का। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुश्री शुभि खंडेलवाल, विज्ञान संकाय में 87.27% आपने प्राप्त किए हैं, DAVV विश्वविद्यालय इंदौर से हैं आप, बहुत सारी शुभकामनाएं शुभि जी आपको। रक्षाबंधन का तो पावन पर्व सावन जैसे चालू होता है, तो 12 ही महीने में सबसे आनंद का, कोई उत्साह का महीना देखा जाता है। और खास करके मध्य प्रदेश में मैं इसको ज़्यादा महसूस करता हूँ, यद्यपि पूरे देश की संस्कृति के साथ हमारे सारे त्यौहार मनते हैं, लेकिन हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर परमात्मा ने कुछ विशेष कृपा की है। ना हमारे राज्य में न ज़्यादा कोई तूफान आता है, ना कोई दूसरी आफत आती है, ना सूखा पड़ता है, लेकिन परमात्मा की अनुपम कृपा से देश का दिल मध्य प्रदेश इन सबसे आबाद है, उसमें बेटियों का योगदान सबसे बड़ा है, मुझे इस बात का एहसास है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में तो संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक लिखा, लेकिन श्लोक पढ़ने के बजाय मैं केवल भावार्थ पढ़ देता हूं। हमारी एक बेटी 10 पुत्रों के बराबर होती है, ये हमारा अपना साहित्य कहता है, हमारा अपनी संस्कृति कहती है। आपका आने वाला 5 साल बाद का समय, अब हमारी लोकसभा और विधानसभा में भी बहन बेटियां हमारी 33% आरक्षण के आधार पर लोकसभा में भी सांसद बनेगी और विधानसभा में विधायक बनेगी, मंत्री बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी, जहां तक आगे तक इच्छा है वहां तक बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से पूरे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।